दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बुद्धा मोनेस्ट्री मनाली, जो कि माल रोड से केवल 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है। अब हम इस मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे और आपको अंदर से इस मोनेस्ट्री को दिखाएंगे। बुद्धा मोनेस्ट्री सुबह 6 बजे खुल जाती है और शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्री के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना होता, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये देने होंगे। बुद्धा मोनेस्ट्री को हिंदी में बौद्ध मठ कहा जाता है। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के गुरु बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षा देते हैं। अब हम मंदिर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप यहाँ पर देखेंगे भगवान बुद्ध की कांस्य से बनी हुई शानदार मूर्ति, जो कि काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पर आपको कई सारे अन्य मूर्तियाँ भी दिख जाएंगी जो कि कांस्य से बनी होती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं दीवारों के ऊपर कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग की गई है, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा को दिया गया है। यह मंदिर पत्थर और लकड़ी के मिश्रण से बना है। साथ ही यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भी मिल जाएंगी, जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास को समझाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे बौद्ध धर्म गुरु दिख जाएंगे जो कि इन स्थानों पर बैठते हैं और यहाँ पर वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा देते हैं। ये मंदिर काफ़ी शांति प्रदान करता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सच में काफ़ी अच्छा फील होने वाला है और यहाँ आकर आप बौद्ध धर्म को काफ़ी नज़दीक से समझ सकते हैं। सामने आपको एक और कांस्य से बनी हुई प्रतिमा दिख रही है। ये शाक्य मुनि की प्रतिमा है जो कि काफ़ी आकर्षक दिखाई देती है। यहाँ पर आपको दलाई लामा की तस्वीर भी दिख जाएगी जो कि तिब्बती धर्मगुरु हैं। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तिब्बत के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कई सारी बुद्धा मोनेस्ट्री देखने को मिल जाती हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं इस मोनेस्ट्री में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, क्योंकि ये मनाली बस स्टैंड से केवल 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप इसकी माल रोड से दूरी की बात करेंगे तो केवल 100 मीटर की दूरी पर ही ये मोनेस्ट्री है। अब हम ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर आप भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को ऊपर की ओर से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अन्य मूर्तियाँ भी देख सकते हैं जो कि कांस्य से बनी हुई हैं। बुद्धा मोनेस्ट्री में आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। साथ ही इस मंदिर की शैली भी आपको काफ़ी आकर्षित करने वाली है। ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और यहाँ पर आपको विभिन्न रंगों की काफ़ी कलाकारी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको सच में काफ़ी अच्छा महसूस कराने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ प्रतिलेपों को, जो कि काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। और इस स्थान पर बैठकर आप भी ध्यान लगा सकते हैं और भगवान बुद्ध की आराधना कर सकते हैं। साथ ही खिड़की से झांकने पर आपको बुद्धा मोनेस्ट्री का काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यहां पर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अब हम नीचे की ओर आ गए हैं और सामने ये जो आपको ऑफिस दिख रहा है, यहीं से आपको वीडियोग्राफी के लिए 20 रुपये का टिकट लेना होगा। और बाहर आपको इस तरह का नज़ारा दिख जाएगा, इस तरह मंदिर का मेन द्वार दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको प्रेयर व्हील्स भी दिख जाएंगे, जिनको घुमाते वक्त आपको ओम मणि पद्मे हुं का जाप करना है। इस जाप को करने से आपको काफ़ी धर्म लाभ मिलने वाला है। और यहाँ आप देख पाएंगे बुद्धा मोनेस्ट्री का कंप्लीट इतिहास लिखा हुआ है। बुद्धा मोनेस्ट्री का मेन गेट काफ़ी आकर्षक बनाया गया है और यहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए अब हम घुमा लेते हैं प्रेयर व्हील्स को। अब हम इनको वन बाय वन घुमाएंगे। ये चारों तरफ है, एक द्वार के लेफ्ट से शुरू होते हैं और चारों तरफ ये फैले हुए हैं, है ना दोस्तों। जबरदस्ती सभी काफ़ी मजा आ रहा है, थकान हो गई, हाथ तो दर्द कर गया दोस्तों वैसे, लेकिन फिर भी ये देखिए दोस्तों हमारा सर्किल पूरा हो गया है इनको घुमाने का। बाहर से बुद्धा मोनेस्ट्री का मेन टेंपल इस तरह दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेयर व्हील भी लगाया गया है। अब हम उसके पास चलेंगे और आपको उस व्हील को भी घुमाकर दिखाएंगे। अगर आप बुद्धा मोनेस्ट्री आ रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से घूमना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग बुद्धा मोनेस्ट्री के मेन टेम्पल को घूम कर चले जाते हैं। अब हम बुद्धा मोनेस्ट्री के मेन पैरामिस में आ गए हैं और यहाँ से आप चारों ओर से देख सकते हैं बुद्धा मोनेस्ट्री के आसपास का माहौल। साथ ही सामने ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, इस समय ये बंद है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है और यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं है। सामने आप देख सकते हैं इस तरह का एक स्तंभ बनाया गया है
इसका क्या मतलब होता है इतना तो हमें आइडिया है नहीं, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे बहुत बड़े वाले फेरियर व्हील्स के पास और आपको दिखाएंगे किस तरह से ये व्हील्स दिखाई देता है और किस तरह का ये मंदिर है। चलिए अब हम इस मंदिर के अंदर की ओर चल रहे हैं और आपको अंदर से दिखा देते हैं इस मंदिर को। आपको सबसे पहले अपने जूते को उतार लेना है और सामने आप देख सकते हैं यही है वो प्रेयर व्हील्स जो कि इस तरह घूमता है। अगर आप इसको घुमाते हैं तो आपकी जो भी विश है जो यहाँ पर आप मांगने वाले हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसी इसकी मान्यता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध की तस्वीरों को उकेरा गया है, साथ ही उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा को देते हुए दर्शाया गया है। सामने आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरुओं की तस्वीरें दिख जाएंगी और आप देख सकते हैं दीवारों पर इस तरह के चित्रों को उकेरा गया है जो कि काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। और अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपको इस प्रेयर व्हील के चारों ओर दर्शन करने चाहिए, घूमना चाहिए और इसको अवश्य घुमाना चाहिए। अब हम भी इसको घुमा रहे हैं, घुमाना अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है और इस तरह से घूमता हुआ ये दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कई सारे मंत्र लिखे गए हैं जिनको उच्चारण से काफ़ी शांति मिलती है, लेकिन उच्चारण तो केवल वही कर सकता है जो कि तिब्बती भाषा को जानता है। और बाहर का हिस्सा इस तरह दिखाई देता है इस मंदिर का। दोस्तों ये था बुद्धा मोनेस्ट्री का फुल टूर। अगर आप मनाली के अन्य प्लेसेस की वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको क्लिक करके आप अन्य प्लेसेस के वीडियो को देख सकते हैं।